हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडीज़। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपकी ये इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर है कि जो आवेदन की तिथि है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। खासकर फिर अगर बात की जाए 2018 बैच की, तो उन्होंने मैंने भी मना किया हुआ था कि आप लोग अभी स्कॉलरशिप का फॉर्म मत भरिएगा। उनका ऐसे में छात्रवृत्ति का के आवेदन को लेकर के क्या स्थिति होगी आप लोगों को मैं बता दूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो कि 10 तारीख 10 अक्टूबर को जो है अंतिम तिथि थी छात्रवृत्ति की, ऐसे में 2018 बैच के या 2017 बैच के भी जो प्रशिक्षु हैं वो पूरी तरीके से आवेदन नहीं कर पाए हैं। ऐसे में जो 2017 और 2018 बैच के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने आप अगर जिलों की बात करो, जैसे जालौन हो गया, मथुरा हो गया, यहाँ पर जा करके उन्होंने समाज कल्याण विभाग में बाकायदा ज्ञापन सौंपा कि ऐसे में भाई 18 बैच को लेकर के बात करो, 17 बैच लगभग 1.5 लाख जो है प्रशिक्षु 18 बैच से बचे हुए हैं और ये सभी वंचित रह जाएंगे छात्रवृत्ति से। तो ऐसे में आश्वासन पूरी तरीके से दिया गया है समाज कल्याण विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कि इस पर पूरी नज़र जो है रखी जा रही है। जो छात्रवृत्ति की तारीख है अप्लाई करने को लेकर के, आवेदन को लेकर के, वो आपकी बढ़ाई जाएगी पूरी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। दूसरी चीज़ ये कि जो कॉलेज वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ऐसे में कि भाई हमारे यहाँ तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, जारी हुआ है और बाकी सारी चीज़ें, उनको भी अलग अलग एक सूचना प्रेषित की जाएगी कि आप जो स्कॉलरशिप का फॉर्म जो बच्चे भर रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट करिए। तो फिलहाल अभी पूरे चांसेस हैं आप लोगों के, आप लोग 2018 बैच वाले भाई 1-2 लोग नहीं हो, लाखों बच्चे हैं, लाखों प्रशिक्षु हैं, ऐसे वंचित नहीं रह सकते, सरकार वंचित रख भी नहीं सकती है ऐसे में। तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिएगा, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है डेट की एक्सटेंशन को लेकर के कि हाँ ठीक है डेट बढ़ाई गई है या जो भी है, तो आप सभी के साथ में वो चीज़ अवगत कराई जाएगी। तो ये तो बात हो गई आपकी अभी छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि को लेकर के, बढ़ाने को लेकर के, और जो आपका 2018 बैच है उनके साथ में। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ, जो आपका थर्ड सेमेस्टर में जो है वो उनका पूरा कंप्लीट सिलेबस अन अकेडमी पर जो है वीडियो लेक्चर और फ्री पीडीएफ फाइल्स अन अकेडमी पर एक एक सब्जेक्ट अवेलेबल है, वहाँ से जाकर के आप लोग पढ़ सकते हो। चौथे सेमेस्टर वाले हैं उनको है, उनकी जो क्लासेस हैं वो जल्दी ही मैं आगे शुरू कर दूँगा पढ़ाने को लेकर के, जो भी सब्जेक्ट्स हैं। बाकी जो पीडीएफ फाइल्स हैं यूपीटेट आपकी सीटेट को लेकर के, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर, वो इलेक्ट्रॉनिक स्टडी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो चुकी हैं। अभी मैंने ऑल पीडीएफ का सेक्शन भी बना दिया है, वहाँ पर प्राइजेस भी आपके काफ़ी कम कर दिए हैं, एक बार आप जा करके ज़रूर देखें फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की पीडीएफ फाइल को लेकर के। तो ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ करके जो एक उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको, फोर्थ और थर्ड सेमेस्टर में जब आप एंटर करेंगे वहाँ से सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। कोई समस्या होती है तो 8081743734 पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, थोड़ा वेट कर लीजिएगा लेकिन आपको जवाब वहाँ पर मिलेगा। दोस्तों इतनी थी बातें जिसके बारे में आज आपको हमें बतानी थी। शाम को 7 बजे मैंने जो आपके यूपीटेट सीटेट के लिए आपके जो एक लाइव क्लासेस जो प्रैक्टिस सेट है वो मैंने शुरू कर दिया है। कल आपका हिंदी के बारे में बात की थी हमने, आज भी आपका जो अगला सब्जेक्ट है कोई, वो आपका शाम को 7 बजे आएगा। और साथ में कल आपका ध्यान दीजिएगा, जब संडे की आप बात करते हो तो स्पेशल क्लासेस, फ्री वाली क्लासेस जो है वो अन अकेडमी पर होंगी, तो आप भी उसे ज़रूर ज्वाइन करें शाम को 7 बजे और रात में 11 बजे, 7 से 8, रात में 11 से 12। किसी और समस्या सवाल के लिए कॉमेंट में आप ज़रूर लिखें, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में भी। हम जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।